Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. The ultimate goal and the unending game. बहुत ही दो कमाल की किताबें हैं जनाब विक्रम सूद साहब की. आप भारत की ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे ओहदों पे रहे और आपने आखिर में जो काम किया वो बहुत बड़ा काम था. भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह थे. लेकिन जब मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि आप इतने बड़े ऑथर हैं, सिर्फ एस्पियोनाज और जो स्ट्रेटजिक इश्यूज हैं उनको ही टच नहीं करते, उनकी डेप्थ में जाते हैं. फिलॉसफी होती है, लिटरेचर होता है, कहानियाँ होती हैं, रियलिटीज़ होती हैं, और ख़ास तौर पर जो मैं आज उनकी किताब पे फोकस कर रहा हूँ वो है द अल्टीमेट गोल, डीकंस्ट्रक्ट्स हाउ नेशंस कंस्ट्रक्ट नैरेटिव्स. मीडिया और ऑथर होने के नाते ये मेरा अपना भी मसला है. मैं वेलकम करता हूँ दिल्ली से वीडियो लिंक पर जनाब विक्रम सूद साहब को. सर खुश आमदेद. थैंक यू वेरी मच सर. आपने शो आपने बुलाया मुझे और मेरे लिए ऑनर की बात है. मेरे लिए ऑनर की सर इसलिए भी बात है कि मुझे वो खूबसूरत शाम भी याद है कि आपने इतनी मोहब्बत से मुझे दिल्ली में अपने घर में भी याद है, मुझे और मेरी मिसेस को इनवाइट किया और दीदी और आपने जिस तरह हमारे साथ प्यार बरता और जिस तरह की सर गुफ्तगू हुई, मुझे लगता था कि मैं एक सूझवान एक दानिश्वर के साथ बैठा हूँ, किसी इंटेलिजेंस के ऑफिसर के साथ नहीं. हालांकि इंटेलिजेंस की दुनिया के जो लोग हैं उनको वाकई बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए और आप वो हैं. आपको हम सैल्यूट करते हैं सर. आपने तो इतने बोल बांध दिया, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं. अरे नहीं नहीं सर, मैं ये चाहता हूँ कि आपसे हमारा डायलॉग रहे. मैं ही सिर्फ आपसे ना सीखूं, हमारे व्यूअर्स भी सीखें. चूँकि इस किताब में मैं सर सीधा इस किताब की तरफ आता हूँ. इस किताब में जो आपने इंटेलिजेंस वर्ल्ड मीडिया नैरेटिव फिर जो दुनिया के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बातचीत की, मुझे ख़ास तौर पर वो टचिंग लगती है. आपने JKF से इस किताब को शुरू किया. आपने कहा कि किस तरह एक सिटिंग प्रेसिडेंट को असैसिनेट यूनाइटेड स्टेट्स में 63 में किया गया और फिर उसके बाद उनके भाई को जो नॉमिनी होने की कोशिश कर रहे थे पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट बनने के लिए, उनको भी असैसिनेट किया गया. तो ये कितना मुश्किल खेल है नैरेटिव का. जी सर, ये किताबें लिखने का ध्यान आपको कब आया? जब आप सर्विस में थे और ख़ासतौर पर जब आप रॉ को हेड कर रहे थे तब से आप सोच रहे थे या बाद में आपको ये ख्याल आया? एक्चुअली बचपन से थोड़ा था कि जो हम जब जैसे आप BBC देखते थे. जी जी. शुरू में तो ऑल इंडिया रेडियो था, दूरदर्शन था नहीं, तो BBC न्यूज़ सुनते थे या अखबारों में पढ़ते थे आर्टिकल्स अबाउट इंडिया. उसमें हमेशा था होता था स्टॉक इमेजेस, द क्लीशेस, स्नेक चार्मर दिखा दिया. कैन यू सी मी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. स्नेक चार्मर दिखा दिया. जी. बेगर ऑन द स्ट्रीट दिखा दिया, गाय दिखा दी चलती हुई, फिर कह दिया हिंदू वर्शिप काउज. राइट. तो हम सोचते हमारी इमेज के यही है, हमारी कोई और इमेज नहीं है बाहर में. हम अपने देश को देखते थे बचपन में, स्कूल में, कॉलेजेस में, कि ये यार हमारा यही हाल है, यही रहेंगे हम. फिर जब 62 में वॉर हुई, 65 में वॉर हुई, जो कहानियां बाहर से आती थी हम सुनते थे पढ़ते थे, लगता था कि फिर स्लांटेड स्टोरीज आ रही हैं. 71 में तो खैर हद ही हो गई ना. जी. जब निक्सन उधर चल पड़ा और यहाँ हम डेमोक्रेसी के लड़ रहे हैं, वो डिक्टेटर की सपोर्ट में दे रहे हैं. सो फिर हमने जब नौकरी जब RAW ज्वाइन किया तो और लगने लगा कि यार कहानी कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है. और वो जहन में रहा थ्रू आउट और यू असेस्ड योर स्टोरीज अकॉर्डिंगली, यू असेस्ड क्या हो रहा है अकॉर्डिंगली. वहीं से क्लू मिलता था कई दफा कि क्या होने वाला है.
क्योंकि मुझे याद है जस्ट बिफोर द फर्स्ट गल्फ वॉर मीटिंग हुई थी लंदन में, वहाँ पे बड़े दानिश्वर थिंक टैंक्स सब आए थे और डिस्कशन थी अगर इराक ने आज ईरान पे अटैक कर दिया तो क्या होगा, समझे जी जी। और उसका फाइंडिंग था कि जी इराक जीत जाएगा, और ये अगस्त में बात हुई, सितंबर में उसने अटैक कर दिया। तो ये देखिए कैसे कहानियां बनती थी, राइट राइट, क्रिएट कर दिया एटमॉस्फेयर, नैरेटिव क्रिएट कर दिया, वो लड़ पड़ा और 8 साल लड़ता रहा, ठीक है। तो जब रिटायर हो गए फिर टाइम मिला सोचने का कि कैसे दुनिया कैसे चलती है, देन यू रियलाइज दैट यू नो देयर इज मोर टू इट देन व्हाट इज सेड, और इसकी तय के जाने के लिए जरूरत है। तो मेरा एक्चुअली एक चैप्टर है भी उस किताब में, पहली वाली में, जी जी जी, एक चैप्टर कंट्रोलिंग द नैरेटिव, यस, मेरे दिमाग में तब भी था कि यू नो दिस इज नॉट अ गेम प्लेड बाय जेंटलमैन ऑफ वन काइंड, दिस इज अ गेम प्लेड बाय जेंटलमैन ऑफ अ डिफरेंट काइंड, राइट। तो हम उसमें थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था कैसे कंट्रोलिंग होती है, नैरेटिव कैसे बनता है। फिर जब मौका मिला कि आप दूसरी किताब लिखें तो मैंने कहा मैं तो यही लिखूंगा कि हाउ डज द ग्लोब कंट्रोल द नैरेटिव, यस, हम हमारे जहन में अपने बारे में क्या कहते हैं और मेरे बारे में क्या कहते हैं, ठीक कह रहे हैं, डिफरेंस हमेशा सुपीरियोरिटी का रखना है, राइट 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 राइट, मेरा मेरा सिविलाइजेशन आपसे अच्छा है, मेरा तौर तरीके अच्छे हैं, मेरी कल्चर अच्छी है, मेरी पेंटिंग अच्छी है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और आप देखिए हमारे हिंदुस्तान को तो रखा ही नहीं कहीं, यस। मैं सर इसी तरफ आ रहा हूँ, मैंने पहले चैप्टर से बातचीत शुरू की, मैं बिल्कुल आखिरी चैप्टर को अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, द इंडिया स्टोरी जो आपने कहा, और बीच में हम बाकी जो किताब है उसके कंटेंट पे भी समझेंगे। आपने कहा कि जो इमेज आता था बीबीसी में जब आप अपने लड़कपन में जवानी में देखा करते थे कि भारत जो है वो एक ख़ास तरह के वो स्टॉक शॉट्स हैं, वही रेडियो पे हम सुनते थे, वही जब टेलीविज़न आया, वही सोशल मीडिया, तो अभी रीसेंट खेल है जी, जी। अच्छा, भारत अपने नैरेटिव में इमेज को बिल्ड करने में हमेशा एक तरह से उन्होंने इनोसेंस रहा, मैं ये कहूँगा बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई जो हम हैं वही हैं, जो हमें जिस तरह भी दिखाता है उसकी मर्ज़ी है, हम ठीक नहीं करेंगे। और नैरेटिव की इस दुनिया में अब ट्रुथ जो है, जो आपने भी डिफाइन किया बहुत अच्छे अंदाज में, कि ट्रुथ को स्पिन करना एक्चुअली वो है नैरेटिव, ठीक है ना। लेकिन भारत ने ये काम तब भी नहीं किया और सच्ची बात यह कि आज भी नहीं कर रहे हैं। मैं सर यहाँ पे कनाडा में अमेरिका में रहते हुए, दोनों मुल्कों में हमारा ऑपरेशन है, टेलीविज़न का आना जाना भी है, मैं अपने आप को दोनों मुल्कों का शहरी समझता हूँ, बहुत मोहब्बत है मुझे कनाडा और अमेरिका से और भारत से भी, लेकिन मुझे महसूस होता है कि हमारा इतना बड़ा डायस्पोरा है, हमारा कोई नैरेटिव नहीं है, कोई टेलीविज़न नहीं है, टर्किश वालों का टीवी है, अल जज़ीरा का है, बीबीसी कुछ 125-150 साल से दुनिया को इसी नैरेटिव से रूल कर रहा है, वर्ल्ड वॉइस ऑफ अमेरिका कर रहा है, जर्मन कर रहे हैं, फ्रांस कर रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे बड़ी पॉपुलेशन, कोई नैरेटिव नहीं है। तो सर ये इंडिया स्टोरी जो है, जिसको आपने आखिर में कहा, आपको आज कैसे आगे बढ़ती नजर आ रही है? हमें तो कोई नैरेटिव आज भी नजर नहीं आ रहा। देखिए नैरेटिव बनाने में भी टाइम लगेगा, और नैरेटिव अगर प्रोपेगेंडा से तो बनेगा नहीं, राइट, प्रोपेगेंडा से सरकार बनाएगी तो प्रोपेगेंडा हो जाएगा, राइट राइट। Narrative has to be done in jointly. It has to be a combined effort. जैसे कि मैंने वो कांग्रेस काउंसिल ऑन फॉरन रिलेशन के बारे में लिखा है, आई मीन दे आर डूइंग इट फॉर themselves, दे आर डूइंग इट फॉर देयर कंट्री, सारे इकट्ठे हैं, एवरीबडी इज देयर। और नैरेटिव बनता है एक्सटर्नली, जो जीता है हारा वो तो मना नहीं सकता, तो उनका नैरेटिव, उन्हीं के मीन्स, सब कुछ उन्हीं का है, तो दे आर एबल टू डू इट। हमको नैरेटिव बनाना है आज के दिन में, हमारे पास तो, हमारा तो नहीं है ना ट्विटर,
सोशल मीडिया तो हमारा नहीं है, वो तो कोई और कंट्रोल करता है। सो हमको अपने अपने तरीके बनाने पड़ेंगे, अपनी मींस बनाने पड़ेंगे, देन यू हैव टू डू योर ओन स्टोरी कि आपने कहना क्या है। सर आपने बड़ी अहम बात की, बारे में क्या कहना है, मैं यहाँ टोक रहा हूँ, सिविलाइजेशन है आप तो, जी क्या है उसमें right. आपकी हेरिटेज क्या है, राइट राइट राइट, आपकी हेरिटेज सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ तो सिर्फ हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती थी स्कूलों में, फलाना राजा आया, फलाना सुल्तान आया, वो आया उसने उसको मार दिया, दूसरा right. आ गया, तीसरा आ गया, वेयर इज द स्टोरी ऑफ द पीपल, राइट राइट, यस, आई एम इंडिया, नॉट एवरीबॉडी, नॉट द किंग, यस, मेरी कहानी कहाँ है, सो दैट वी हैव टू डू, अब शुरू हो रहा है, मुझे लगता है देर आर सम पीपल हु डूइंग इट देयर, there are sites, there are websites who talk about India, who talk about the Indian heritage. मेरा मतलब heritage से नहीं कि आप उसी में जाके बैठ जाओ कि आप 2000 साल पहले कुछ करते थे उसके बाद मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, या मेरी history है तो बस उसी में लगे रहें। History is important. We must know our history. We know only half our history. शुरू में तो 47 के बाद तो हमको हिस्ट्री जो ब्रिटिश किताबों में थी वही पढ़ाई गई थी ना, मेरे स्कूल में तो वो भी नहीं था, सिर्फ ज्योग्राफी थी। सो वी हैव नॉट लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम आवर हेरिटेज, नॉट इम्बाइब्ड एनीथिंग फ्रॉम आवर हेरिटेज, नॉट लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम आवर हिस्ट्री, एंड यू नो हिस्ट्री इज नॉट वन मैन, हिस्ट्री इज नॉट वन किंग, हिस्ट्री इज नॉट one generation, like heritage is even longer. To ab jab American nationalism is fine, Hindu nationalism is majoritarian, ye kaise ho sakta hai bhai? So that is the imagery we have to build, and we have been schooled in the English way. Jo wo sab bahadur keh ke wohi theek hai, main kahun to bura hai, main kahun to हिंदू हो गया या फंडो हो गया या वट एवर, इट इज नॉट सो। आई कैन बी हिंदू, आई कैन बी एन इंडियन, एंड आई कैन बी टॉलरेंट, व्हाई नॉट, यस, एंड अ ग्लोबल सिटीजन, और दुनिया का सबसे टॉलरेंट जो हेरिटेज है वो ऑफ कोर्स हिंदूइज्म। वी हैव सो मेनी रिलीजियंस हैव बीन बोर्न इन माय कंट्री, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, द फर्स्ट मॉस्क वाज बिल्ट इन इंडिया आउटसाइड, या अरब वर्ल्ड वाज बिल्ट इन इंडिया, राइट। So the Parsis came and settled in India. Right. So हमारे यहाँ वो नहीं है, and when people say that India is secular because the majority is Hindu, they are right. Right, right, absolutely. So why should there has to be a sense of pride, of belonging, of ownership. Yeah. सर आपने अभी बात की कि ट्विटर तो नहीं है इंडिया के पास, सोशल मीडिया तो नहीं है, हम तो यूज़ करते हैं, लेकिन सर हम आईटी में दुनिया में नंबर वन हैं भारतीय लोग, तो क्या वजह है कि हम अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते, क्योंकि नैरेटिव जब तक उसके प्लेटफॉर्म भी आपके पास नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी? I have no answer. Actually, I have no answer. Right, I understand. Because if you are so capable and intelligent, we can do ISRO. Right. We can send space missions. We can do it. Why can't we do this? Yes. Yeah. Why don't we do this? And yeah. That's the way to go. Yes. Have your own vehicle. Yeah. आपने अभी सर बात की कि history कोई एक सुल्तान की तो नहीं होती ना, वो तो लोगों की होती है, कहानियां तो लोगों की होती हैं, तो सर क्या जो नैरेटिव है हमें एक तो सोशल मीडिया पे और कन्वेंशनल मीडिया पे नज़र आता है, सबसे बड़ा नैरेटिव तो किताबों का होता है जो चुपके ही चुपके फाउंडेशन बनाता है, जैसे आपकी दो किताबें हैं वो हमें एक लॉन्ग टर्म फाउंडेशन दे रही हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में,
मैं ये समझता हूँ ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट किताबें, ये एस्पियोनाज की सिर्फ किताबें नहीं है, मैं आपके पब्लिशर्स को भी, हार्पर कॉलिंस और जो दूसरे पब्लिशर हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये फिलोसफिकल अप्रोच है चीज़ों को देखने की। तो सर किताबें क्या अब लिखी जा रही है इंडियन सिविलाइजेशन को दुनिया में सामने लाने के लिए? यस यस, इस गुजरा साल बहुत सी किताबें आई हैं रिटन बाय इंडियंस अबाउट इंडिया, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप भी देखें उन्हें, पढ़ें, एंड आई कैन सेंड यू अ लिस्ट इफ यू लाइक प्लीज द बुक्स दैट आई हैव अक्वायर्ड एंड आई एम रीडिंग और दे आर ऑन माय टू रीड लिस्ट। बहुत अच्छी किताबें हैं मॉडर्न इंडिया में के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, पटेल के बारे में जैसे है और अंबेडकर के बारे में है, दीज आर आइकॉनिक फिगर्स, राइट, एंड वी मस्ट नो अबाउट देम। सुभाष बोस हैं, उनके बिना हमारी हिस्ट्री कंप्लीट, हमारी फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती। और अब फॉर्मर प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैज रिटन अ बुक, दिस बुक्स ऑन चाइना इंडिया, ऑन इंडिया इटसेल्फ, सेवरल बुक्स, एंड आई थिंक आई वुड रिकमेंड कि आप भी देख लें उन्हें। देयर आर सम गुड बुक्स ऑन पाकिस्तान आल्सो, आई एम हैप्पी टू से दैट देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट पाकिस्तान बाय पाकिस्तानीज, right? So there is hope, and I think we have also to learn, हमको अपनी अपनी भाषा में किताबें लिखनी चाहिए, तर्जुमा कराना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी तो आप थोड़ी परसेंटेज ही पढ़ते हैं ना, इट मे बी द लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास और द गवर्नमेंट लैंग्वेज, पर स्पोकन लैंग्वेज तो दूसरी है ना, हिंदी है, मराठी है, तमिल है, ये भाषाओं में भी सबको मालूम होना चाहिए कि क्या था हिस्ट्री, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, राइट। हमारी हिस्ट्री तो कलकत्ते में खत्म हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट का मालूम ही नहीं हमको। सर आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मुझे तो हमेशा ये लगता है भारतीय सिविलाइजेशन से मैं अपना तल्लक जोड़ता हूँ, पॉलिटिकल पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान को भारत में सही तौर से समझा ही नहीं किया, पॉलिटिकल करेक्टनेस रही वो भी आपका चैप्टर है इस बुक में, और सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर था उस हवाले से मुझे हमेशा नज़र आता है कि भारत की बड़ी बड़ी जो सरकारें हैं वो भी इग्नोर शायद करती रहीं, आप उनको अंदर से देखते भी रहे, तो अब क्या पाकिस्तान की जो साइकी है या जो उसका जर्नी रहा है उसको समझा जा रहा है ठीक से भारत में, क्योंकि नैरेटिव का ये भी तो हिस्सा है। आई थिंक हमारे यहाँ क्या होता था भाई साहब के जो भी प्रधानमंत्री आता था ना, वो सोचता था कि मैं समझौता कर लूंगा, राइट, पाकिस्तान से। हम लोग जैसे थे, हम लोग तो कहते थे कि ये नहीं होगा, कि हो उनका जहन ही फर्क है, right. उनकी सोच ही फर्क है, उनका गोल ही फर्क है, वो आपसे नहीं दोस्ती करेंगे, उनकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है दुश्मनी में, लेकिन दोस्ती का झांसा जरूर देंगे, वो देते रहेंगे आपको, जब जब थोड़ी मार पड़ेगी तो भागे भाग आ जाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो चौड़े होकर बैठ जाएंगे, ये चलता रहता है। जैसे अब भी इमरान खान कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं मानते, वो बनाया ही गया जी धर्म पे, उस पे था, राइट, और वो कैसे छोड़ दें उसको, उनका बेसिस ही वो है, तो आपसे दुश्मनी, और उन्होंने बेसिस खाली रिलीजन है, बेसिस था कि तुम और मैं इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो अब कैसे बैठ सकते, ये नहीं समझे। और इवन मोदी साहब में मिस्टेक वो भी हुआ है, दोस्ती करने की कोशिश करी, हाँ, नहीं बनी बात, यस, और मेरे को नहीं लगता कि बन सकेगी बात, इन, इन, इनका इसी में टाइम गुजर जाएगा। तो मैं तो कहता हूं कि ठीक है, आप अपने घर खुश हो, मैं अपने घर खुश हूं, बैठो, राइट, ये सॉल्यूशन नजर आता है आपको, बस आई मीन यू नीड नॉट बी फ्रेंडली विद योर नेबर, यू जस्ट टॉलरेट हिम, ही कैन टॉलरेट मी, इट्स ओके, राइट, राइट, और एक दूसरे को तकल करके तो फिर मैं तो जवाब दूंगा, हां, चुकन्ना भी रहे और टॉलरेट भी रहना है, चूंकि हमसाया तो बदल नहीं सकता,
I can't choose my neighbors. Yes, yes. They're there in geography, you can't change geography. Yes. So better of them. एक चैप्टर सर आपका इसी किताब में चाइना के हवाले से है, थ्रू चाइनाज लुकिंग ग्लास। यस, चाइना इस वक्त सर एक हमें बाहर बैठ के यूं लगता है कि भारत के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है। नैरेटिव क्या है, नज़र क्या आता है आपको? उनका नैरेटिव इज नॉट वेरी सटल। The narrative ke main, I am Middle Kingdom, I am the boss of the world, and I, you guys, you're second rate, third rate, you have to pay obeisance to me. Aap mere ko salami do. Tum to lower level mein padhte ho. Aur mere ko, mera mukabla to sirf aap America se hai. So everybody else, move out. There is no subtlety, there is total aggression, particularly in Xi Jinping's time. Anything that you, I think he's the strongest dictator perhaps they've ever had, even more than Mao. Mao was a worshipped man, yes, but this guy has everything under him. So they now see कि मेरे को अब मौका है। अब अमेरिका में जो हुआ ट्रंप के ज़माने में, पहले भी ढलान तो पहले भी थी, एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट उनका जो नैरेटिव था कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ऑन अर्थ, पर लड़ाई तो कोई जीती नहीं, पर वो इमेज नहीं बदली क्योंकि नैरेटिव आपका बहुत स्ट्रांग था। Chinese, on the other hand, haven't got their narrative built up, and उनका narrative एक तो जिसका narrative अंग्रेजी में नहीं होगा वो उसका narrative बनेगा मुश्किल से। और जिसके पास control नहीं है means of communication उसके लिए भी मुश्किल होगा। All the media is controlled by the West. Right. Six corporations or 11-9 corporations. Own the media. So CNN wahi, Reuters wahi, CBS wahi, name it, you name it, it's all there. So to apni baat karenge na, that is why my book is a lot to do with America, because right. They're all over the globe. Yes. So Chinese will see it as a chance ke ab mauka hai, ghus jao. पाकिस्तान में तो घुस ही गए, अफगानिस्तान में आएंगे प्रॉब्ली टू ईरान एंड अफ्रीका। एंड देन आई सी माय कंट्री ब्लॉक्ड आउट। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन क्या वेस्टर्नर्स वेस्टर्नर्स चूंकि चाइना के पास अब बहुत कुछ है, एक चीज नहीं है कि नैरेटिव उनके पास नहीं है, और लकीली क्या है कि भारत के हक में नैरेटिव है इंटरनेशनल जब चाइना की बात आती है। वैसे इंटरनेशनल मीडिया का नैरेटिव भारत के हक में हो ना हो वो एक अलग बहस है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना वो इंडिया के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, नैरेटिव में वीक हैं। आपने बड़ी अहम बात की कि लगता है कि कहीं इंडिया को वो लॉक ना कर दें हर तरफ से चाइना वाले, लेकिन अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ऑस्ट्रेलियंस सब इस चिंता में हैं कि चाइना को अब कंटेन किया जाए, तो इस कशमकश में भारत की भी वो मदद ले रहे हैं। आपको नज़र आता है कि ये सब मिलके अपने इंटरेस्ट की खातिर भारत के साथ जुड़ेंगे और चाइना को कंटेन करने में कामयाब होंगे? देखिए, अगर तो आपने इफ़ यू थिंक कि हमारा कोई साथ देगा अगर पाकिस्तान चाइना पे अटैक करता है, मेरे को नहीं लगता हूँ। तो फिर बगले झांक इधर उधर झांकेंगे, वो नहीं होगा। यानी अगर पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है, we are on there on our side, provided we are on their side. Right. What I mean. Right. तो जब तक उनका मकसद हल होता है तो ठीक है, आप भी चलो साथ में। But beyond that, I don't see any concrete evidence के ये लोग कोई हमारे साथ
अब देखिए ईयू ने डील कर ली चाइना के साथ, ट्रेड डील कर ली, बावजूद इसके कि वॉट एवर द चाइनीज में बी डूइंग विन वॉट एवर द एक्विजिशन अबाउट कोविड है या कोरोना है या जैसे उनकी ह्यूमन राइट्स सिचुएशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेट एनालिसिस में सब अपने अपने इंटरेस्ट में करते हैं। सो इफ द वेस्ट इंटरेस्ट मैचेस विद आवर्स, वी कैन एक्सपेक्ट सम सपोर्ट। इफ इट डजंट, वी आर ऑन आवर ओन। आपने कहा कि भारत ऑन इट्स ओन होगा अगर वेस्ट के इंटरेस्ट मैच नहीं करते, तो भारत की पोजीशन तो पहले से बहुत बेहतर लग रही है। क्या आपको लगता है कि ये कन्फ्रंटेशन कोई बहुत आगे बढ़ेगी, जबकि चाइना नैरेटिव में बहरहाल वीक है? मुझे नहीं लगता कि चाइनीज लड़ाई करेंगे, और मुझे ये भी नहीं लगता कि पुराने किस्म की लड़ाइयां होंगी। अब तो आप एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन रीडिंग इसमें चल रहे हैं, 10 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ ले जाएगी हम सबको किसी को नहीं पता, और उसका क्या यूज होगा। अभी 5G है, कल कुछ 6G भी आ जाएगा, तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं उनको? घर बैठे बैठे लड़ाइयाँ हो जाएंगी क्या? वहीं से सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कैसे करना है। अगर डिसेबल कर दो सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, वो खत्म हो गए। So that is the mind wars are bigger danger than actual wars for the future. यानी वही माहिर होगा वही जीतेगा जी। यानी वही बात सर जो आपकी किताब का पूरा क्रक्स है, द अल्टीमेट गोल का, कि सारा खेल अब ये नई टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द बनने वाले नैरेटिव का है जी। तो आपने अमेरिका पे बहुत नज़र डाली, इसलिए कि नैरेटिव का जो सारे का सारा सोर्स है और जो रिसोर्सेज हैं वो अमेरिका के पास हैं। अमेरिका में अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट को भी उन्होंने ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया जी, ठीक है। और अमेरिका में भी जो नैरेटिव की सिर्फ यही बात नहीं है, ट्विटर वर्सेस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट की सर बात, हम ये भी देखते हैं कि नैरेटिव जिस तरह चाहते हैं वहाँ के डीप स्टेट वाले या वहाँ के जो इंटरेस्ट ड्रिवन इदारे हैं, उस वैसा ही चल रहा है। तो जब आप सर 20-30-50 साल पहले निगाह डालते हैं, जब वॉइस ऑफ अमेरिका का शुरुआत का ज़माना था या उनके पीक का, लेकिन अब तो सर जो आपकी किताब में पूरे का पूरा फोकस है नैरेटिव का, द अल्टीमेट गोल में, आपको क्या लगता है कि अमेरिका अब कैसे दुनिया को आगे डिक्टेट करेगा अपने नैरेटिव के राही? I think dictations will now come from the corporate world. देखिए आपने वो भी तो सुना होगा कि Google ने थ्रेट किया है ऑस्ट्रेलिया को, राइट, आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी गूगल सर्विस विड्रॉ कर लेंगे। दिस इज अ कॉरपोरेट थ्रेट। पहले तो सोचते थे हम कि सरकारें सर्वेलेंस करके करती हैं, अब ये कॉरपोरेट वर्ल्ड आपके ऊपर सर्वेलेंस रखती है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड सम ऑफ देम देयर GDP इज मोर देन मेनी कंट्रीज, देयर इनकम इज मोर देन मेनी GDP ऑफ मेनी कंट्रीज। सो ये एक अलग से एंटिटी बन रही है, ऑल दी मेगा कॉर्पोरेशंस फॉर मनी फॉर प्रॉफिट। फार्मा इज अ बिग थिंग, बिकॉज सेहत तो सबकी खराब होनी है, दवाइयां तो सबको चाहिए, 8 बिलियन लोग को दवाइयां चाहिए तो कौन देगा? अगर हिंदुस्तान सस्ती बनाएगा तो उसको तो मारना पड़ेगा ना आपको। यू हैव टू किल दैट कॉम्पिटिशन। सो बाउंड्रीज आर चेंजिंग, लिमिट्स आर चेंजिंग। तो कौन किसके कॉम्पिटिशन में जाता है? डज टाटा कंपीट with Bill Gates, or does India compete with the United States?
that is the kind of situation that will arise in the future. So wars are going to be different, competition is going to be different, and until we learn to compete on our terms, हम भी पीछे ही रह जाएंगे. तो सिर्फ फ्री स्पीच का क्या बनेगा? ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन तो जाएंगे जी, पर कंट्रोल किसका होगा? राइट, कहाँ होगा? तो सर दोस्त यहाँ पे सवाल उठते हैं कि फ्री स्पीच का क्या बनेगा, और अभी अभी जो आपने नुक्ता उठाया कि हम भारत 5 ट्रिलियन की इकॉनमी तो बन जाएंगे मगर कंट्रोल नहीं होगा बहुत सारी चीज़ों में, तो दो मुख्तलिफ बातें हैं. एक तो फ्री स्पीच का क्या होगा, और क्या भारत अपना कंट्रोल कुछ चीज़ों में एसर्ट कर पाएगा? आफ्टर ऑल दुनिया की पॉपुलेशन का 1/6 हिस्सा है. आई थिंक वी मस्ट थ्रो आवर वेट अराउंड. हम वो नहीं करते हैं ना, हम बड़े, आपने शुरू में कहा था कि हिंदुस्तान तो कह रहा है सब ठीक है जी, चटो पर है. राइट, काइंड ऑफ यस, वी हैव टू प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स, आवर गेम्स. आवर गेम इज आवर यूथ, आवर यंग पॉपुलेशन, आवर इंटेलिजेंट पॉपुलेशन, हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन, एंड आवर ओल्ड रूट्स. वी मस्ट कंबाइन द टू. And if we don't make use, अब नहीं करेंगे तो 300 साल तक आपका ये यूथ बल्ज नहीं आने वाला. So अगर ये मिस कर गए तो मिस कर गए. This is the urgency of our need. This is the urgency which the present government seems to be aware of. That you can't let के ये आप यूथ बल्ज को अगर आपने यूज नहीं किया तो ये हमारे हमारे कोई मुश्किल होगी, आने वाले सरकारों को वही मुश्किल होगी. सो मेनी पीपल अनएम्प्लॉयड, कैसे होगा? सो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू टैकल नाउ. फ्री स्पीच का मीनिंग भी चेंज हो गया जी. जी, अब आप देख लीजिए, जो ट्विटर कंट्रोल्स फ्री स्पीच इन इट्स वे, अगर आपको उसकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद तो बंद कर देगा जी. अगर उसकी आइडियोलॉजी के मुताबिक चल रहे हैं तो बोलते रहे, बोलने देगा उसको. सो द प्राइवेसी लॉज हैव चेंज्ड, मीनिंग ऑफ प्राइवेसी हैज चेंज्ड. एवरीबडी हैज अ फ्री राइट टू से व्हाट ही लाइक्स एंड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. So, chaotic हो रही है सिचुएशन बीच बीच में. टर्बुलेंस जो है, इट्स नॉट जस्ट पोलिटिकल टर्बुलेंस, इट्स सोशल टर्बुलेंस, इट्स इकोनॉमिक टर्बुलेंस, इट्स टेक्नोलॉजिकल टर्बुलेंस. सो एवरीथिंग सब उधड़ा हुआ है, इसको जोड़ना पड़ेगा. तो सर ये जो सारी बातें हैं आपने अपनी इस किताब में भी, और मैं किसी दिन चाहूँगा कि जो आपकी इससे पहले की किताब थी द अनएंडिंग गेम, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट देती है, उस पर भी हम बात करें. लेकिन इस किताब के बाद जो आप मेरे से बातें कर रहे हैं, क्या इनको एक्सपेंड करना चाहेंगे किसी और आने वाली किताब में? सोच रहे हैं ना, क्योंकि चीजें बहुत फास्ट पेस के साथ बदल रही हैं. वेरी वेरी फास्ट, वी जस्ट डोंट नो. जो टेक्नोलॉजी का जो है ना टेक ऑफ जो है, इट्स नॉट ग्रेजुअल, इट्स लाइक अ हॉकी स्टिक. यूं घुसे, शुरू हुआ, वी शूट अपवर्ड्स, पता नहीं कहां पहुंचेंगे, किस किस्म की टेक्नोलॉजी होगी. सो हमारा टाइम तो गुजर गया, अब आप लोग देखना. नहीं सर, आप हमारे लिए गाइड्स हैं, और सिर्फ इस हवाले से नहीं कि आप बहुत ही बड़े ओहदों पे रहे, इस हवाले से भी कि आपका विजन है, आपकी नज़र है. लोग तो और भी बड़े बड़े ओहदों में आते हैं चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन जिस तरह आप काम कर रहे हैं उससे हमें एक तरह से
हमारी हिस्ट्री की भी वो हिस्ट्री का भी पर्सपेक्टिव मिल रहा है और आगे जाने की भी एक गाइडलाइन मिल रही है। आज की सर डिस्कशन में अगर आप समझें कि आप और मैं कोई बात मिस कर रहे हो और आप समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है ऐड की जाए तो आखिर में ज़रूर कीजिए। नो नॉट रियली। देखिए बहुत कई दफा ये मुद्दा उठता है अबाउट नेशनलिज्म और आजकल कई जगह डिस्कशन होता है यूरोपियन नेशनलिज्म, उनके अपने मुल्कों की छोटे छोटे मुल्कों मोर असर्टिव वीज़ा वी ईच अदर कंपेयर टू रशिया। तो ये रुख तो चलेगा, ये बढ़ेगा और क्या ये क्लैश होगा विथ इस्लामिक रेडिकलिज्म? आई समटाइम्स वरी यस भी होगा। सो बट बिकॉज ए बोथ अडॉप्ट हार्ड पोजिशन तो क्लैश तो होगा एंड I don't know where the reform lies. There are many, many, many sane people on both sides. It's always the fringe that creates the problem. But problem hai to. Ji. It is visible. It is violent. Particularly if you look at the streets from the streets of Pakistan on to Iraq, Syria, wherever. लोग तो मर रहे हैं एंड इट्स नॉट दैट दे हैव बीन किल्ड बाय अनदर रिलीजन, इट्स बीन डन विद देम। सो इफ दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट देयर ओन देन हाउ डू दे टॉलरेट मी? राइट। लेकिन सर मैं इस पे थोड़ी सी बात जरूर शामिल करना चाहूंगा कि मुझे कुछ 15-20 साल पहले या 10 साल पहले तक ये ख़तरा होता था कि ये क्लैश बड़ा होगा। सैमुअल पी हटिंगटन की बुक जो मशहूर है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस फुकुयामा की जो किताबें हैं वो भी इसको टच करती हैं, वो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन सर जब से ये लेफ़्ट बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होता चला जा रहा है और लेफ्ट के जो अब एक ज़माना था सर ये राइट की कॉरपोरेशनें नरेटिव्स को हर चीज़ को कंट्रोल करती थी, अब लगता है कि लेफ़्ट की कॉरपोरेशनें नरेटिव्स को और दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा वो जो लेफ्ट है वो एकोमोडेटिव होता जा रहा है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के लिए भी, तो मुझे उस हवाले से लग रहा है कि वो जो क्लैश का ख़तरा मुझे 10 साल पहले तक नज़र आता था वो अब चूंकि इनके इमर्ज कर जाने की सूरत में कम हो रहा है, लेकिन भारत के साथ साथ जो क्लैश है वो मुझे बढ़ता चला जा रहा है लेफ्ट की कुव्वतों का और इस्लामिस्ट कुव्वतों का। इस पे मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी रोशनी डालें। हिंदुस्तान में जो इंडिया में जो हो रहा है ना जी, इट्स यू नो लिबरलिज्म का मायने तो यही है कि यू हैव टू बी इन अ नटशेल इन टू वर्ड्स एंटी हिंदू एंटी मेजॉरिटी देन यू आर लेफ्टी। दैट इज सैड, रॉन्ग मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। Yes. Wrong meaning. Yes. I mean, I still think that I am a liberal, but I am not shy of saying I am a Hindu. But ये जो है क्या हमको ये दिखाना है कि हम ही लोग गलत हैं बाकी सब सही हैं, ये भी गलत चीज है। और you have to show yourself to be broad-minded. Just to make a point, ये एक problem है हमारे यहाँ, and there are disgruntled elements, there are unhappy people among a section of the Muslims, they're there. तभी तो ये होता है। तो ये दोनों की it's not just कि कश्मीर को लेके होता है। There are cases of discrimination, I admit that होता होगा हिंदुस्तान में, तो discrimination होती रहती है, कभी किसी की कभी किसी के साथ थोड़ी बहुत चलती रहती है, पूरी दुनिया में सर वो होती है, इंसानी समाज पूरी दुनिया में इसी तरह ही होते हैं, discriminate तो करते हैं हम लोग जी, इंसान इंसान को करता है
सैडली हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ भी होता है सैडली. तो टू मेक दैट इनटू एन आइडियोलॉजिकल इशू इज डेंजरस एंड एट बेस्ट नॉट डन, बिकॉज देन हम कहाँ जाएंगे फिर सब, अनलेस वी लर्न टू coexist with our ideologies and with our religions, where will we go? We have only one country. So it is for all of us to understand that yes, there are problems, that there are difficulties. थोड़ी बहुत या ज़्यादा discrimination भी हो जाती है. समाज को tackle करना है. The state has to be secular. Right. The human being has to be tolerant. Main aur aap, if you're if I'm a good Hindu, you're a good Muslim, we have to be tolerant. We can't be secular. We not can't be equidistant from religion. And there's no objection to at all to being a good Christian, good Sikh, good whatever. And still be an Indian. उसमें क्या problem है? There is no problem there. तो economic issues are translated into religious disparities at times. Politicians advantage उठाते हैं और कोई solution नहीं दे मिलता तो यही उठा लेते हैं. So we have the problems of large population, multilingual, multi-religion, multi-regional. So to chalega hamare saath to hai. We have to learn to be able to live better with each other. Bahut shukriya sir. आपने हमें वक्त दिया आज. हम चाहेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में भी आपका समय लेते रहें, चूँकि आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी. और ये आप हम पे बहुत कर्म कर रहे हैं कि आप किताबें लिख रहे हैं. लिखता रहो जी, लिखते रहिए सर. वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चूँकि जो आपका जर्नी रहा है, डिफरेंट पोजीशंस पे आप रहे, वो अपनी जगह पे होता है, मगर जो आपकी इनसाइट होती है वो जब मिल के कम्बाइन होकर दोनों हमें हमारा पर्सपेक्टिव देते हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे. मैं आखिर में एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी. कोई आखिर में कंक्लूसिव रिमार्क्स आप देना चाहें तो. नहीं साहब, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और मेरी बीवी और मैं तो आपको कई दफ़ा याद करते हैं दोनों को कि कितना अच्छा इवनिंग था हमारा टुगेदर. लेट्स होप कि आप फिर आ पाएँ और आपसे फिर मुलाकात हो. और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. आई लव योर शोज. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बार नन. Thank you. So please, nice of please you. Please keep doing it. You are doing a great job for humankind. Thank you, sir. Thank you for your understanding, sir. Thank it's you for a very your... noble activity. Thank you, sir. One of the best things to create this feeling of togetherness and understanding, really understanding problems without any hesitation. बहुत बड़प्पन होता है जी, बहुत कम लोग कर पाते हैं. थैंक यू सर. मैं आपकी जो मेरे लिए अच्छी बातें हैं वो मेरे लिए ऑनर की बात है. थैंक यू वेरी मच सर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. मिलेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू. बिल्कुल सर, बात होती रहेगी. बातचीत हम कर रहे थे जनाब विक्रम सूद साहब से, बहुत ही विजनरी हस्ती. उनकी किताबें आप अमेज़ॉन पे जाके किंडल वर्जन और जो हार्ड कॉपीज हैं वो भी आप बाय कीजिए. ये किताबें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. एक विजनरी इंसान, एक विजनरी पर्सनालिटी अपना पूरे का पूरा विजन्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं. आपको भी बहुत सारी चीज़ें लर्न और बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करने का मौका देंगी ये किताबें. आज का बिला तकल्लुफ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया. थैंक यू.
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.